कुरुक्षेत्र जिले में 403 पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसके चलते भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस भी व्यवस्थाओं में जुट गई है। जिला पुलिस ने चुनाव के दौरान बांटी जाने वाली शराब और पैसे को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें जनता पुलिस को शिकायत दे सकती है और साथ ही जानकारी देने वाली व्यक्ति का नाम और पता भी गुप्त रखा जाएगा। वहीं पुलिस ने पंचायती चुनाव को लेकर अवैध शराब और नशीले पदार्थ पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लाख रुपए की अवैध शराब भी काबू की है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि सेकंड फेज में पंचायत के इलेक्शन जिला कुरुक्षेत्र में होने जा रहे हैं, तो जिला पुलिस की तरफ से सभी अरेंजमेंट्स और सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जितनी हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसे वर्कआउट किया गया है और जो डिमांड हेडक्वार्टर्स में भेजनी है एडिशनल फोर्स की, वो डिमांड भेज दी गई है। इसके साथ साथ कुल जो है 403 पंचायतें जिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंदर 652 जो हैं बूथ हैं और करीब 435 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर पोलिंग होनी है। तो इसमें जो जो ड्यूटीज़ लगनी है उसको वर्कआउट कर लिया गया है। साथ साथ इलेक्शन कोड यानी 16 अक्टूबर 2022 के बाद जब से इलेक्शन कोड लगा है, एक स्पेशल ड्राइव जिला पुलिस की तरफ से चलाई गई है, जिसके अंदर एक तो असला जो डिपॉजिट करना है, करीब 60% के आसपास असला डिपॉजिट हो गया है, बाकी भी जल्द जो है जो बकाया असला है वो भी थानों में या जो आर्मरीज हैं वहाँ पर असला जमा करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं, चाहे वो 750 के हों या 751 के, वो भी रेगुलर जो है लिए जा रहे हैं। और क्योंकि इस दौरान जो है NDPS के और एक्साइज एक्ट के और आर्म्स एक्ट के केसेस की रिकवरी के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलती है, तो इसमें भी 16 अक्टूबर के बाद करीब करीब जो है 38.5 लाख का नारकोटिक्स, जिसके अंदर चूरापोस्त है, गांजा है, स्मैक है इत्यादि, ये सब बरामद किया गया है। ऐसे ही एक्साइज एक्ट में भी नजायज शराब की 8,000 से ज़्यादा जो बॉटल्स रिकवर की गई हैं, जिसकी कीमत करीब 14 लाख के आसपास है। और साथ ही आर्म्स एक्ट के भी जो है केसेस, जिसमें नजायज असला और जो कारतूस वो बरामद किए जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी जिला पुलिस की ओर से कर ली गई है। तो मेरी आपके माध्यम से सभी कुरुक्षेत्रवासियों को अपील है कि बगैर किसी डर के, बगैर किसी जो है भेदभाव के अपनी पोलिंग करें। पुलिस की ओर से पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और मैं आपके माध्यम से सबको अश्योर करना चाहता हूं कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो बिल्कुल, जो इसमें जो है 74 सेंसिटिव केसेस हैं, सेंसिटिव बूथ जो चिन्हित किए गए हैं, ऐसी 93 हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स हैं उसकी सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। तो जो एडिशनल फोर्स है जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स पे लगनी है, उसका भी हमने ऑलरेडी सारा वर्कआउट कर लिया है। साइबर की बात की जाए तो पिछला महीना पूरा साइबर को समर्पित रहा, तो क्या अचीवमेंट्स? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो साइबर क्राइम है ये दिन बर दिन जो है अपने पंख फैलाता जा रहा है। तो इसमें जो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इसका कोई बचाव है तो वो जागरूकता है। जितने हम जागरूक होंगे उतना ही हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक की नादानी है या जो बेवकूफ़ी, उसकी वजह से ही ये जो साइबर ठग हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पिछले महीने अभी जो अक्टूबर में करीब 724 प्रोग्राम हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिला पुलिस की ओर से, थाना लेवल पे इसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनको कवर किया गया है। करीब 1,03,000 के आसपास जो है इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस पूरे अवेयरनेस कैंपेन से। तो आगे भी क्या अभियान जारी है? बिल्कुल, ये रेगुलर अभियान जारी रहेगा। हमारा मीडिया के माध्यम से भी आप देखते हो कि हर हफ्ते एक दो हम प्रेस नोटिस में जारी करते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों। लोगों से क्या अपील मिलेगी? लोगों से यही अपील है कि इसमें पूरा ध्यान दें, किसी भी कीमत पे जो अपना OTP शेयर ना करें, कोई अननोन जो लिंक है उसे प्रेस ना करें। कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपसे OTP नहीं मांगता, या आपकी जो KYC की जानकारी है WhatsApp पे या मेल पे, जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा, कभी भी नहीं मांगी जाती। और आप जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। के बारे में कुरुक्षेत्र पुलिस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनावों का समय है तो काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि अवैध शराब
को बांटा जा रहा है या अवैध कैश को बांटा जा रहा है, तो मेरी आप सबसे अपील है, यदि आपके पास कोई भी ऐसी सूचना हो कि आपके पास सूचना हो कि कोई अवैध शराब बांट रहा है या कोई कैश का जो है बांटा जा रहा है, तो ये नंबर जो है 705670109 आप इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। ये इस पर व्हाट्सएप भी है, कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और जो भी सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और टाइम बाउंड तरीके से उसकी जो भी सूचना है उस पर कार्रवाई। गौर हो कि कुरुक्षेत्र जिले में पंचायती चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन कमर कसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि पंचायती चुनाव में किसी भी तरह का विवाद या अनहोनी नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।